morning everyone, welcome back to my channel. So this is another episode of our Manali trip, actually not Manali but Rohtang, but yes right now we are in Manali. तो अब है सेकेंड डे, कल हम लोग पूरा अपनी थकान उतारने में बिजी थे और अभी एकदम रेडी हैं। आज हम लोग जा रहे हैं लोकल मनाली घूमने के लिए, तो दीदी और ये लोग भी सब तैयार हो रहे हैं। विराज भी रेडी है, पीके जी भी रेडी है, वो सब उधर है, बस मैं रेडी हो रही थी, मैं भी रेडी हो चुकी। तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। और ये है बाहर का नज़ारा हमारे रूम से। तो मौसम ठीक ठीक है, मतलब हवा थोड़ी ठंडी है बट वैसे धूप है। और अभी हम जा रहे हैं मनाली लोकल घूमने के लिए। हम लोग तो मतलब घूमे हुए हैं, दीदी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वजह से लोकल मनाली जा रहे हैं घूमने। और कल का हमें देखना है, हम कहीं और थोड़ा हाइट पे जाने का सोच रहे हैं। और परसों है हमारा रोहतांग जाने का प्लान। तो ऐसा प्लान है फ़िलहाल, बट जो भी चेंजेस होंगे या जैसा भी होता रहेगा मैं आपको अपडेट तो करती रहूँगी। तो बस मॉर्निंग में उठे थे, ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट की मैंने छोटी सी क्लिप भी डाली थी। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज उस टाइम सब लोग नींद में थे। तो बस ब्रश वगैरह करके और ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। अभी आके अपना नहाना धोना तैयार होना सब हुआ है, बस रेडी हो गए हैं। मैंने ऑरेंज टॉप पहना है, ये इसकी ऐसी स्लीव्स हैं। तो यस वी आर रेडी टू गो। तो मैं आपको बताती हूँ हिडिम्बा देवी के मंदिर की कहानी। तो इस मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हर कोई नहीं जानता है। तो हिडिम्बा मंदिर जो है वो पांडवों के दूसरे भाई भीम की पत्नी हिडिम्बा को समर्पित है। हिडिम्बा एक राक्षसी थी जो अपने भाई हिडिम्ब के साथ इस क्षेत्र में रहती थी और उन्होंने कसम खाई थी कि जो कोई भी उनके भाई हिडिम्ब को लड़ाई में हरा देगा वह उसी के साथ अपना विवाह करेंगी। तो उस दौरान जब पांडव निर्वासन में थे तब पांडवों के दूसरे भाई भीम ने हिडिम्ब की यातनाओं और अत्याचारों से ग्रामीणों को बचाने के लिए उसको मार डाला और इस तरह भीम के साथ हिडिम्बा का विवाह हो गया। तो विवाह होने के बाद भीम और हिडिम्बा का एक पुत्र घटोत्कच हुआ और जब उसका बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ तो हिडिम्बा ने उसे सिंहासन पर बिठा दिया और अपना शेष जीवन बिताने के लिए ध्यान करने जंगल में चली गई। हिडिम्बा अपनी दानवता या राक्षसी पहचान मिटाने के लिए एक चट्टान पर बैठकर कठिन तपस्या करती रही। कई वर्षों के ध्यान के बाद उसकी प्रार्थना सफल हुई और उसे देवी होने का गौरव प्राप्त हुआ। हिडिम्बा देवी की तपस्या और उसके ध्यान के सम्मान में इसी चट्टान के ऊपर इस मंदिर का निर्माण हुआ जो कि सन 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मंदिर एक गुफा के चारों ओर बनाया गया है और मंदिर बनने के बाद यहाँ श्रद्धालु हिडिम्बा देवी के दर्शन पूजन के लिए आने लगे हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो ये हिडिम्बा देवी का मंदिर है जो मनाली पहुँचने के बाद बहुत ईजीली आप इस मंदिर पे पहुँच सकते हो। और जाने के लिए भी बहुत सी सुविधाएं हैं, वहाँ पे कैब मिलती है, ऑटो मिलते हैं, या अगर आप अपनी प्राइवेट कार से भी आए हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं, ये काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो बस इस मंदिर पे हम लोग पहले भी 2 बार जा चुके हैं बट मैं अपनी सिस्टर के साथ फर्स्ट टाइम गई थी। तो इट इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट टाइम और इस मंदिर में पहुँच के ट्रस्ट में बहुत शांति मिलती है मन को, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तीन चीज़ें हाँ। और एक कितने का है? तो तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे प्लम, पीच और चेरीज़ मिल रही थी। तो जब मंदिर से हम वापस लौट रहे थे तो ये पूरा जंगल के बीच में मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी मन लग रहा था। तो बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे एक भैया बैठे थे जो आपका स्केच बना रहे थे। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कोशिश की बट काफ़ी वेटिंग थी तो फिर हमने नहीं बनवाया। और हाँ, ये है याक जो शिमला में भी मिलते हैं आजकल। याक वहाँ पर रहते हैं, बच्चे उस पर बैठ के फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी थोड़ा एंजॉय किया। ये दीदी की छोटी बेटी है अवी जो याक पे बैठी है। फिर हमने विराज को भी बिठाने की कोशिश करी बट विराज बहुत ही ज़्यादा रो रहा था तो उसको ज़्यादा देर नहीं बिठा पाए। बस फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और छोटा सा एक वीडियो कैप्चर किया और बस उसके बाद उसको उतार लिया। वो ज़्यादा देर नहीं बैठा। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो वो कितनी तेज़ तेज़ रो रहा है। तो ज़्यादा देर उसको नहीं बिठाया, बस यहाँ पे वीडियो बना के उसका फ़ोटो खींच के हम लोगों ने उसको उतार लिया था। तो बस ये हिडिम्बा देवी से जब आप नीचे उतर के आएंगे तो वहाँ पे छोटी सी मार्केट है, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। जो वहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब वहाँ पे आप ले सकते हो। तो सेकेंड पॉइंट हमारा आज के दिन का है क्लब हाउस। तो क्लब हाउस भी, ये सारी चीज़ें काफ़ी नज़दीक पड़ती हैं। क्लब हाउस भी काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वहाँ के सोवेनियर्स जो भी अच्छे अच्छे हैं वो सब मिलते हैं। कपड़े मिलते हैं, जैकेट्स, शॉल्स, कारपेट्स, जो भी वहाँ के फ़ेमस हैं। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। तो ये इस तरह के सोवेनियर्स आप वहाँ पर ले सकते हो। बुद्धा हैं और ये जो शो पीस के लिए होते हैं छोटे छोटे, वो हैं। पर्सेस हैं, सूट्स हैं लेडीज़ के लिए, और साड़ीज़ हैं, शॉल हैं। तो रेडीमेड भी मिलता है यहाँ पे और आप फैब्रिक भी ले सकते हो। तो वहाँ का जो कपड़ा होता है, जो पश्मीना और ये सब जो होता है, वो सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये हैं सारे वॉल हैंगिंग्स जो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट थे और 10,000 तक के वॉलपेपर्स वहाँ पे थे, आई मीन वॉल हैंगिंग्स। और ये एक बहुत क्यूट सी शॉप थी राइट हैंड साइड पे, जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर सोवेनियर्स थे। वहाँ से हमने छोटे छोटे सोवेनियर्स परचेज़ भी किए थे, जैसे विराज के हाथ में आप देख रहे हो, ऐसे बच्चों के टॉयज़ छोटे छोटे। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, तो जो हमने 2-4 ली। तो बस यही हमारा सेकेंड पॉइंट था क्लब हाउस का। ये क्लब हाउस के बाहर का सीन है जहाँ पे इस टाइप की शॉप्स हैं, खाने पीने का स्टॉल है, एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें आप अंदर बैठ सकते हो। बट हम लोग रेस्टोरेंट में अंदर नहीं गए थे, हम लोगों ने बाहर ही बैठ के एंजॉय किया था। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का खाने को लिया था बिकॉज़ इन लोगों को ज़िप जंपिंग करनी थी, तो बहुत ज़्यादा किसी ने नहीं खाया था, हल्का फुल्का खाया था। और बस यहाँ पे बैठ के एंजॉय किया था। वेदर भी अच्छा था, वैसे तो धूप थी लेकिन हवा में, मतलब ऐसी गर्मी नहीं थी पसीने वाली, तो अच्छा रहा। तो ये है वो जगह जहाँ पे जिप जंपिंग होती है और ये है ब्यास नदी। यहाँ पे आप बैठ के आराम से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा व्यू आता है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पे आप बहुत आराम से बैठ सकते हो, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, जिप जंपिंग एंजॉय कर सकते हो। तो पीके जी ने तो लास्ट टाइम की थी, उन्होंने यहाँ पे नहीं करी, बट हाँ दीदी की जो दोनों बेटियाँ हैं उन्होंने की थी। बट हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के एंजॉय किया था, हम लोगों ने नहीं किया था। तो बस यहाँ पर हम लोग अब अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बच्चे अपना जिप जंपिंग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है दीदी की छोटी वाली बेटी जो जिप जंपिंग करने के लिए जा रही है। और इसमें क्या होता है, आपको हाथ से खुद ही आपको पीछे खिसकना होता है रस्सी को पकड़कर, और जो नदी होती है उसके एकदम सेंटर तक जाना होता है खुद से। ये देखिए जैसे वो खुद से खींच के जा रही है, तो इस तरीके से आपको खुद से रस्सी को खींच के पीछे जाना होता है। थोड़ा प्रेशर लगता है, वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही थी करने में, बट स्टिल शी डिड इट। और नदी के एकदम सेंटर में जाना होता है आपको, और जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हो तो वहाँ पे फिर वो रस्सी को वहाँ से पकड़ के दबाते हैं ताकि आप जंप कर पाओ और पानी में आपके पैर जा पाएँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये बीच में पहुंच गई है। फिर उन्होंने उधर से रस्सी को हिलाना शुरू किया ताकि वो जंप कर पाए, बट क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी तो वो पानी तक उसके पैर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फिर जो भैया थे जो रस्सी को हिला रहे थे उधर से, उन्होंने बोला वेट कम है इस वजह से पैर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वो खुद से फिर इसके पास आए थे और उन्होंने साथ में जंप किया था, तब उसके पैर ईज़िली पहुँच गए थे। तो ये देखिए ये इधर अब यूवी ने भी स्टार्ट कर दिया है करना, और ये भैया दूसरी रस्सी पे जा रहे हैं अवी के पास। तो ये अवी के पास जाके जंपिंग करवाएंगे, उधर यूवी भी जा रही है। तो ये देखिए ये जंपिंग उन्होंने स्टार्ट करी और अवी के पैर पानी में पहुंच रहे थे, तो यहाँ पे उसने बहुत एंजॉय किया। तो बस इस तरीके से यहाँ पे जिप जंपिंग हो रही है, और यूवी भी पहुँच गई है सेंटर में, बट यूवी तो हमारी इतनी लंबी है कि उसको ज़रूरत ही नहीं किसी और की, उसने खुद ही जंपिंग कर ली थी और पानी में अपने पैर डाल के अच्छे से काफ़ी देर उसने एंजॉय किया था। तो ये अभी तो पहुंच गई, और ये यूवी का भी एंजॉयमेंट शुरू। तो बस यही रहा हमारा सेकंड पॉइंट, और आज का थर्ड लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो था मॉल रोड का। तो मॉल रोड का तो सबको ही पता है, हर हिल स्टेशन पे एक ही तरह का मॉल रोड, कुछ भी ख़रीदना हो आप बस घूमते रहो, खाते पीते रहो, एंजॉय करते रहो। तो बस यही रहा हमारा सेकंड डे मनाली में। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज टेक केयर, बाय बाय।